वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले जाकर देख कर आओ, नहीं तो आप लोगों को ये एपिसोड बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन यांग के सामने एक लड़की होती है जो कि लिन लेले होते हैं, और लिन यांग को समझ नहीं आता कि ये सपना है या सच। इसके बाद लिन यांग के सामने हम वही लड़की को देख पाते हैं और लिन यांग तभी भी सोच रहा होता है क्या ये सपना है, और लिन यांग को विश्वास नहीं होता इसलिए वो लड़की को छूने जाता है। और इसके बाद लिन यांग उस लड़की को छूने से पहले उसके हार्ट में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, उसको लगता है कि किसी ने उसको हार्ट को ब्लॉक कर दिया है। लिन यांग के बहुत ही ज्यादा पसीना आता है और लिन यांग समझ नहीं पाता क्यों उसके साथ ये हो रहा है। लिन यांग बोलता है मुझे लगता है मैं इस लड़की को पहचानता हूँ, मैंने तो कहीं पर तो इसको देखा ही है। और तभी वो लड़की लिन यांग को पकड़ने जाती है और वो लड़की लिन यांग को गले लगा कर बोलती है मुझे पता है तुम मेरे लिए आए हो। लिन यांग तो शर्म से पानी पानी हो जाता है और तभी लिन यांग को दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और इसी वक्त लिन यांग का सपना भी टूट जाता है और लिन यांग को बोलते हैं कि लिन यांग तुमने दरवाजा घर के अंदर से क्यों लॉक किया है। लिन यांग बोलता है ये बहुत ही अच्छा सपना था, और तभी दरवाजे के बाहर से बोलते हैं जल्दी से दरवाजा खोलो, और तभी लिन यांग बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और बोलता है मुझे इस सपने का आगे देखना है कि कैसे ये सपना एंड हुआ है। और इसके बाद हम देख पाते हैं कि लिन यांग ने दरवाजा खोल दिया है और तभी दरवाजे के बाहर जो लोग थे शायद वो लिन यांग के दोस्त होंगे, मतलब कि वो लोग एक ही कैंपस में शायद रहते होंगे, और वो लिन यांग को बोलते हैं तुमने दरवाजा खोलने में काफी ज्यादा टाइम लगा लिया, क्या तुम कुछ ऐसा कर रहे थे जो बोला नहीं जा सकता। तभी उसके बाकी दो दोस्त बोलते हैं तुम अंदर क्या कर रहे थे इतने ज्यादा समय लगा लिया। लिन यांग गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम लोग गंदी गंदी बातें करना बंद करोगे। तभी उसके और एक दोस्त और भी ज्यादा उसके साथ गंदी बातें करते हैं और लिन यांग इसके वजह से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद लिन यांग बोलता है मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, अब मुझे पहले सोने दो। और हम देख पाते हैं कि रात हो चुका है और लिन यांग भी सो गया है और लेकिन उसकी अंगूठी जो है वो चमक रहा है। तभी हम देख पाते हैं कि लिन यांग के हार्ट से कुछ लाइट निकल रहा है जो कि उसके अंगूठी को और भी ज्यादा चमक रहा है, और हम लिन यांग के मुंह के ऊपर भी उस लाइट जैसा वेव को देख पा रहे हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं कि सुबह हो चुका है और लिन यांग का जो फोन है वो भी अलार्म बजना शुरू हो गया है। लिन यांग अलार्म के कारण अपने कान बंद कर लेता है लेकिन बाद में वो उठ भी जाता है, और लिन यांग बोलता है कल मैं एक बच्चे की तरह सो रहा था लेकिन आज मैं फुल एनर्जेटिक हूँ। इसके बाद लिन यांग ब्रश करने जाता है और तभी उसकी नजर आईने पर पड़ती है और वो खुद को देखकर बोलता है कि क्या है मैं हूँ, सच में मैं हूँ लेकिन मैं पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ। इसके बाद लिन यांग कपड़े पहनता है और बोलता है मेरे कपड़े थोड़ा टाइट लग रहा है, कहीं मेरे कपड़े छोटे तो नहीं हो गए। लिन यांग खुद के अंदर जो एनर्जी है उसको देखकर बोलता है मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि लिन यांग एक पार्क में घूमने जाता है और वो बोलता है मेरे साथ सिर्फ अजीब गरीब चीजें ही हो रहा है। फिर लिन यांग एक पत्थर के सामने बैठ जाता है और बोलता है मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ये सच में सच हो रहा है या झूठ। फिर लिन यांग उस पत्थर को जगाने की कोशिश करता है और वो जगा भी लेता है और बोलता है कि ये पत्थर कम से कम तो 500 पाउंड का होगा लेकिन ये मेरे लिए एकदम फेदर की तरह लग रहा है, ये बहुत ही ज्यादा हल्का है। और इसी वक्त हम लिन यांग के हाथ के मसल भी देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फूल गया है, और इसके बाद हम देख पाते हैं लिन यांग उस बड़ा सा पत्थर को लेकर पानी में फेंक देता है, और लिन यांग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसने एक बड़ा सा पत्थर जगाकर फेंक भी दिया। इसके बाद लिन यांग किसी और जगह पर जाता है और बोलता है मुझे पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है लेकिन एक बात एकदम सच है कि मैं पहले से ज्यादा खतरनाक और बैडस हो गया हूँ। और तभी लिन यांग को पीछे से कोई बुलाता है और लिन यांग पीछे घूमता है और वो देखता है कि वही बॉडी बिल्डर का गैंग जिसने लिन यांग को बहुत ही ज्यादा मारा था, और उस गैंग का लीडर लिन यांग को बोलता है अच्छे हो बच्चे, और ये भी बोलता है पिछले दिन मैंने तुमको बहुत ही ज्यादा मारा था लेकिन तुमने बहुत ही जल्द रिकवर कर लिया। और यही पर एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। आपको ये कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साइड में रखकर बेल आइकन भी दबा लेना ताकि मैं जब इसका दूसरा पार्ट डालूं आप आकर देख पाओ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना। ठीक है चलते हैं।